हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार, बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है और मॉड्यूल 2। तो वीडियो नंबर 7 में जो मॉड्यूल 2 में जो हमारे आज के जो सिलेबस है उसमें आज हम कवर करने वाले हैं वर्किंग ऑफ रेडियो स्टेशन एंड टेलीविजन, ठीक है। और सेकंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ AIR एंड प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन। तो आज हम इसमें सिर्फ टॉपिक 1 को ही कवर करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि जो रेडियो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, एनालॉग वर्क कैसे करता है, या जो डिजिटल है वो कैसे वर्क करता है। और जब टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसमें एनालॉग और डिजिटल में क्या क्या डिफरेंस हैं, और उसमें कौन कौन से ऐसे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हैं जो हम यहाँ पे जानने वाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने रेडियो के बारे में कि रेडियो जो है उसको हम क्या कैसे उसको डिफाइन करते हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, उसमें वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि व्हाट इज़ रेडियो, तो रेडियो के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि रेडियो क्या है, वो कैसे चीज़ों को ट्रांसमिट करता है, और उसमें कैसे ईयर ऑन ईयर ये ट्रेवल करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आप मतलब कि सोच सकते हैं कि रेडियो एक, या आप पता भी है कि रेडियो एक गैजेट है जो जिसको आप सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी है कि रेडियो का जो मीनिंग है, असली मीनिंग क्या होता है कि जो उसकी वेव्स हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं उसमें उसको एनर्जी 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 जो होती है उस पर वो चलता है, ठीक है। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का जो एविडेंट है या वायर्ड कनेक्शन के बिना ही आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी के एक साथ से एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम पहुंचाते हैं तो इसके इस मेथड को हम वायरलेस कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वायरलेस क्या होता है, कि वायरलेस जिसमें वायर की कनेक्टिविटी नहीं हो, बिना वायर के वो जो डिवाइस है वो वर्क करता हो, उसमें से जो सिग्नल है या तो हम उसको सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हो, या रिसीव करने के बाद उसके वो हम डिकोड कर रहे हो, डिकोड करने के बाद जब उसको फीडबैक दे रहे हो, तो ये जो है वायरलेस का पूरा सिस्टम है। जैसे कि अभी हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल जो हमारा डिवाइस है वो एक वायरलेस डिवाइस है। तो वायरलेस डिवाइस यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक वेव जो होती है वो एयर में एयर के मीडियम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जब जाती है तो इसी मेथड को हम वायरलेस कहते हैं। तो इस वायरलेस मेथड को आप और बहुत जगह पे अपने लाइफ में यूज करते होंगे, जैसे कि रिमोट का टीवी होता है तो उसको आप कैसे यूज करते हैं, आपके टीवी और रिमोट के बीच में कोई भी वायर कनेक्शन नहीं होता है। आपने यहाँ से एक नंबर प्रेस वन प्रेस किया तो वहाँ पे जो नंबर वन चैनल है वो वहाँ पे आपके सामने आ जाता है, अगर आपने प्रेस टू किया तो सेकंड चैनल आ जाता है, या तो आप वॉल्यूम वहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी जो मेथड हैं कि जो वायरलेस चीज़ों से ये पूरा का पूरा चल रहा होता है, वर्क कर रहा होता है आपकी डिवाइस, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट से को और अर्थ और सैटेलाइट के बीच की जो क्या कहते हैं डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम उसको केबल के थ्रू उसके हवा में ले जाकर छोड़ दें और जो हमारे साथ में केबल ऐसा घूमता रहेगा और उससे हम सिग्नल यहाँ पे रिसीव करते रहेंगे, वो सेंड करेगा और हम यहाँ पर रिसीव। अगर ऐसा होता तो हम पूरे आसमान में या पूरे आकाश में जो भी जो है तो सारे जो जितने भी सेटेलाइट वो आपस में ही एक दूसरे के साथ लग करके वो टूट के गिर जाते हैं, या जो अंतरिक्ष है उसमें वो गायब हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं। तो जो वायरलेस का जो मेथड है वो इस तरह से वर्क करता है कि जो रेडियो वेव्स जब भेजते हैं, जिस इक्विपमेंट से हम भेजते हैं, तो ट्रांसमीटर के फॉर्म में उसे जाना जाता है, और एयर मीडियम से एक ट्रांसमिट जो वेव्स है, ठीक है, और किस उसके द्वारा जो भेजी गई रेडियो वेव्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में एक तरह से दूसरे हिस्से तक वो
जा सकती है कि जैसे कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और वर्ल्ड के किसी और हिस्से में आपको कॉल करना हो, वो वर्ल्ड का कोई भी पार्ट हो सकता है, अगर वहाँ पे कॉल करना हो तो वहाँ से तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया से एक वायर कनेक्शन होती है जो उस कंट्री तक, जो प्रॉपर कंपनी सॉरी कंट्री है वहाँ तक जाएगी तो आप बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने यहाँ से फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया और उनसे बात कर लिया। तो ये वायरलेस है तो इसी को हम रेडियो के फॉर्म में भी जानते हैं, ठीक है। तो जो रिसीवर है, जिसको रिसीवर हम कहते हैं, जो सैटेलाइट, वो क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जो चीज़ें ट्रांसमिट होती है, वेव जाती है, वो आपके छोटे छोटे पीसेस में पहुंचती है। इसके बाद क्या करता है, वो जो रिसीवर जो होता है वो पूरे जो वेव सिग्नल आई होती है उनको पूरा कंपाइल करता है। इसके बाद वो पूरे एक फॉर्म में आपको वहाँ पे वो दे रहा होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका वायरलेस मेथड यहाँ पे होता है। तो सेकेंड बात है कि हाउ डज दिस हैपन, तो ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा भी होगा चाहे ग्रेजुएशन में या 12th में या 10th में, तो इनके बारे में आपने आपको थोड़ी सी आइडिया होगी कि ये वर्क कैसे करता है। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का जो मिक्सचर फॉर्म है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। इसमें मिलकर के जो एनर्जी उसमें से निकलती है उसे हम उस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ओशियन के सरफेस पर जो वेव्स आती हैं, आप उनको जो उसमें ट्रेवल हो रहा होता है वेव्स, ठीक है, तो उसको रेडियो जो उसको रेडियो वेव्स वेव्स कहते हैं वहाँ पे। तो समुद्र की जो वेव्स होती हैं तो वो एक तरह की मान सकते हैं कि वो रेडियो वेव्स के एक फिक्स स्पीड और एक फिक्स फ्रिक्वेंसी उसमें होती है कि जो वेव्स आ रही हैं, तो उस तो आप देख रहे होंगे कि वेव्स जब आती है तो आती आती है वो सामने से वो वापस से टकरा के चली जाती है। तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेव्स है और उस पे जो एनर्जी उसमें से निकल रही है, तो वो भी चीज़ है ना, क्योंकि हर जो नेचर हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी वर्क कर रहा होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हवा चलती है, तो हवा से जो हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें से भी हम इलेक्ट्रिक उसमें से निकाल बना लेते हैं, और हवा से कई ऐसे काम है जो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एयर में भी एनर्जी उसमें रहती है। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतना नहीं है कि वेव्स के दो जगहों के बीच की जो ट्रेवल करती है और जो वेवलेंथ और और उसके नेक्स्ट जो डिस्टेंस होती है उसकी बीच की जो दूरी होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो काउंटिंग है तो वो पर सेकेंड में आती है कि जो जो भी चीज़ें आपको आ रही है, जो वेव्स ट्रेवल करके आ रही है, चाहे वो किसी भी ट्रांसमीटर से वहाँ से आपके पास भेजा गया हो, आप जब उसको रिसीव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पर सेकेंड के काउंटिंग में वो आ रहे होते हैं। तो वेवलेंथ को हम हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर्ट्ज, ठीक है। तो उसको मैं और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो इसको हम हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर्ट्ज इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को साउंड को के बारे में बताया था, इसीलिए इनको हम हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा आपको नॉलेज होगी ही पहले से। तो इसको हम हर्ट्ज जो इसका स्केल है उसमें इसको नापा जाता है। इसीलिए यदि आप 7 वेव्स को 1 सेकेंड में आती हैं तो उसे उसे हम 7 हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 हर्ट्स आ रही है एक साथ में। तो अगर किसी में 10 आएंगी तो उसको 10 हर्ट्स कहेंगे, तो इस तरह वो ट्रेवल करती है। यदि आपने कभी, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर आप कभी ओशियन की जो वेव्स आ रही हैं और उसके जो वेव्स हैं उसके साइड पे आप खड़े होते हैं, तब उसको देख सकते हैं कि जो वेव्स वो कैसे आपके रोल होती हुई आपके पास आती है, क्योंकि वो रोल होती है। कुछ लोग तो उस पर सर्फिंग भी कर लेते हैं। तो जो सर्फिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि जो ओशियन वेव्स की जो एनर्जी है वो उसमें फ्रिक्शन जो निकलती है उस फ्रिक्शन के हेल्प से वो उस पर यूज करके उस पर सरफेस करते हैं, ठीक है, स्किन करते हैं उस पर।
जैसे आइस में स्किन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरफेस और दोनों के बीच की जो एनर्जी बन रही होती है उसी के इससे कर रहे होते हैं। यदि आपने कभी जैसे आगे अगर चलते हैं तो आप जानते होंगे कि शायद 1 मीटर या 3 फीट जो पर सेकेंड है कि जो स्पीड से वो ट्रेवल करते रहते हैं, और ओशियन की जो वेव्स हैं उनकी जो वेव लेंथ है उसके 10 मीटर या फीट की होती है। तो आप उसे दोनों मेजरमेंट में नाप सकते हैं, या तो उसके मीटर से भी करते हैं फीट से भी। जब ये ज़्यादा हैवी अमाउंट में जब आती है तो साइक्लोन ऐसे कई बड़े बड़े जो दिक्कतें हैं वहाँ पे आने लगती है, ठीक है। तो वो सेकेंड और इसके फॉर्म में आपके पास आती है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो जब आप देखें जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि एक बुक सेल्फ के ऊपर जब हम रेडियो रखे रहते हैं तो उस पे क्या होता है, या वहाँ पे रखे या किसी हाइट पे अगर हम रेडियो को रखते हैं तो क्या करता है कि जो आने घर के अंदर जो आने वाली सिग्नल होती है वो उसको रिसीव करने की कोशिश कर रहा था। तो जो एंटीना को फिर हम बार बार उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी डाउन कभी अप, ऐसे करके एडजस्ट करते ताकि वो जो फ्रिक्वेंसी आ रही है जो मेरा डिवाइस है रेडियो डिवाइस वो अच्छे से उसको कैच कर सके और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आई है जो वे ठीक है जो फ्रिक्वेंसी वो कैच करके जो चीज़ें रिसीव की है उसने वो मुझ तक वहाँ पे वो पहुँचा रहा है। तो ऐसे करके पूरा का पूरा वर्क कर रहा होता है। तो और इसमें जो भी है इसके लिए इसमें से जो लाखों जो वेव्स हैं उसमें पर सेकेंड में आती हैं। यदि आप वेव्स को के कहते हैं कि 100 मीटर लंबी रेस में अगर आप इसको भी उस फॉर्म में भी अप कर सकते हैं कि कितनी बार ये आ रही है कैसे ये चल रही है, ये अनबिलीवेबल चीज़ होती है कि जो इसमें स्पीड है वो किस स्पीड से आपके पास आती है। तो लाइट स्पीड जो होती है उसके कंपैरिजन में ये रन करती है, क्योंकि क्योंकि जब आप लाइव देख रहे होते हैं तो लाइट स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी वो आपके सैटेलाइट से होते हुए आपके डीटीएस तक या आपके रिसीवर तक आ रही होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील पर सेकेंड के स्पीड से आपको आती है। तभी आप जब ये डिले हो जाती है जब दो डिवाइस के बीच में जब फ्रिक्वेंसी डिले आती है किसी ना किसी रीजन से हो सकता है, चाहे वो डिवाइस के प्रॉब्लम से हो सकता है या जो वेदर है उसके प्रॉब्लम से ये चीज़ें होती रहती है। तो कहीं ना कहीं जब उसके स्पीड में जब कमी आती है तो जो आपके बफरिंग होती है वो बफरिंग आपके स्क्रीन पे या आप जो चीज़ सुन रहे होते हैं उसमें काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये लाइट स्पीड के से अगर नहीं हमारे पास आती है तो लाइव हम नहीं देख पाते हैं अच्छे से। तो लाइव देखने के पीछे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं या जो डिवाइस को उसको रिसीव कर रही है वह जो जो टावर और जो मशीन उसको वहाँ से सारे डेटा को जो हमारे पास भेज रहे होते हैं, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं इस जो स्पीड है इस स्पीड को मेंटेन करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनमें ग्रोथ की जाती है, इसमें जो चेंजेस होती है उसको लोग करते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो उस चीज़ में डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और हमारे यहाँ पे अच्छे से जो रिसीव हम फाइल जो रिसीव कर रहे हैं वो हमें अच्छे से यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट चलते हैं हम एनालॉग रेडियो के ऊपर। तो एनालॉग रेडियो ये हो गया। जो एनालॉग रेडियो है तो वो ओशियन की जो वेव है उसके ऊपर उसके ऊपर या नीचे ट्रेवल करते हुए और उसकी एनर्जी लेते हुए वो आती है। तो इसी तरह से रेडियो की जो वेव्स हैं जो एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को हम जो नहीं देखते हैं तो उसके अप और डाउन में जो क्या कहते हैं कि कैओस होती है हलचल होती है तो उसके रूप में उसको लेकर के आती है। और ये जो सिलसिला चलता रहता है एक बहुत बड़े ट्रांसमीटर एंटीना के सिग्नल का जो सिग्नल है वो उसको सिग्नल देता है, और इसके बाद में आपके जो रेडियो सेट पे जो छोटा एंटीना है जो भी एंटीना या एंटीना भी
तो मोबाइल में मान लीजिए नहीं है, तो उसमें जो एक चिप होता है उसे रेडियो से, वो रेडियो स्टेशन से जुड़ा होता है, और उसके हेल्प से आपको चीज़ें आप वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। अगर एक क्या कहते हैं, एक जब प्रोग्राम चल रहा हो, तो प्रोग्राम चल रहा होता है तो एक रेडियो की जो वेव्स में जोड़ करके जब सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती है, तो उसको जो जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस मेथड को या जो इस प्रोसेस जो पूरा होता है, इसको मॉड्यूलेशन भी हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक रेडियो प्रोग्राम को कैरियर में इस तरह से जोड़ा जाता है कि प्रोग्राम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में जो उतार चढ़ाव का जो कारण बनता है, जो अप एंड डाउन होती है उसमें जो, या उसमें हलचल होती है, तो इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM कहा जाता है। तो FM की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप याद रखेंगे उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो ऐसा होता है कि एग्जाम में कई बार आपसे 1 नंबर मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। तो रेडियो सिग्नल भेजने का एक अलग जो क्या कहते हैं आइडिया है, जो अलग तरीका है, जो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वेव की जो टॉप पार्ट होता है तो उसको बड़ा या छोटा करता रहता है, ठीक है। और एक जो वेव की जो शेप है, उसका जो शेप है उसको, इसलिए शेप होता है, तो इसका जो आयाम कह सकते हैं या आप उसको मॉड्यूलेट कह सकते हैं, इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं। और इसलिए जो ये प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को आप फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नाम से, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ गया, और इसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलेशन, तो जो ये चीज़ अप एंड डाउन, इसमें फ्लक्चुएशन जब आता है तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसके फॉर्म से हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यह है कि FM रेडियो को कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसका जो मॉड्यूलेशन है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, वो FM में जो स्टेशंस हैं वहाँ पे कैसे ये जो टेक्नोलॉजी है वो वर्क कैसे कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने इस एनालॉग में, सॉरी, यहाँ एनालॉग में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स कैसे वर्क कर रही होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो आगे है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि AM और FM जो है वो वर्क कैसे करता है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वर्क कैसे करता है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम मानते हैं कि एक रिसीवर है, ठीक है, नहीं, एक रेडियो ट्रांसमीटर है, और उसमें आप इसमें तो एक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरे इसी से रिलेटेड समझाता हूँ कि एक जो ट्रांसमीटर है और उसको मैंने जो ओशियन है उसके साइड पे उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, और एक रेडियो रिसीवर उसमें उसको भेज रहा हूँ, मैं एक रिसीवर के थ्रू उसे भेज रहा हूँ। तो जो जो और इसके बीच में अगर मैं मैसेज को आपके पास भेज रहा हूँ, तो उस मैसेज को आने में आपके तक ओशियन वेव के थ्रू आने में, तो जो भी इसमें उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे जो भी इसमें हलचल होगा, तो वो जो मैसेज आएगा वो कई तरह की जो वेव्स हैं उसके साथ टकराते हुए आपके पास तक आएगा। तो उसमें आने में जो होती है कि जो वेव्स हैं उसको कितनी स्पीड से आपके यहाँ तक वो लेकर के आती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि तो आप जो सिग्नल भेजने के लिए जिस कैरियर के फॉर्म के में जो वेव्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो वेव्स की जो हाइट होती है उसमें वो बदल रहा होता है बार बार, कहीं ना कहीं वो कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी ज़्यादा स्पीड, कभी कम स्पीड, तो ऐसे वो बदल रहा होता है सिग्नल की जो डायमेंशन मॉड्यूलेशन, और जो सेंडर होता है उसमें उसको रिसीव करेगा। और अगर दूसरे तौर से देखा जाए तो मैं अपने नाव के ऊपर बैठा हूँ, ठीक, और उसमें ऊपर नीचे ले जाने के बजाय अपने हाथ पानी में डालकर तेजी से आगे पीछे कर सकता हूँ, ताकि जो स्पीड है नाव की वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी कारण से जो फ्रिक्वेंसी है उसमें भी इस तरीके से जो मेथड है वो यूज में आती है, ताकि मॉड्यूलेशन से जो ट्रेवल होती है
वो जल्दी यहाँ पे और आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। और इस पे यहाँ पे तो सेंडिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसी ना किसी शेप में चेंज होती है, जो वेव होती है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज अक्सर होती रहती है। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रैवल विद एएम एफएम प्रोग्राम सिग्नल बिकम पार्ट ऑफ द वेव ऑफ कैरियर। तो ये जो चीज़ है इसके जो मेन ये होती है कि एफएम के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह होता है कि प्रोग्राम सिग्नल उस जो वेव है ठीक है उस फ्रिक्वेंसी का जो हिस्सा वो रहता है तो वो उसे वहाँ से कैरी करती है ठीक है, वहाँ से कैरियर के थ्रू उसे लेकर आती है। और जैसे कि वेव्स में एन रूट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें उसमें चेंजेस होने लगती है तो सिग्नल का जो पार्ट होता है वो उसे खोने की ज़्यादा डर होती है, क्योंकि एक बल्क में मैसेज आ रहा था। अगर रिसीवर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो रिसीव नहीं कर पाया और या किसी भी रीजन से वो सिग्नल कहीं लॉस्ट हो जाता है तो फिर उसको वापस लाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो जो सिग्नल चला गया और वो लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट के बाद आप उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकते। तो मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, जैसे ओशन में ही ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज है और उसके ऊपर कुछ नंबर लिखी लिखी हुई है ठीक है, और उस पर जब आपको मैसेज भेजने की हो तो आप मैसेज के फॉर्म में उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको कैसे भेज सकते हैं आगे की तरफ। और उसे जो और उस पर कुछ अगर जो अनपढ़ है तो उसके लिए आप एक सिंबोलिज्म है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि पुराने पुराने टाइम में लोग सिंबोलिज्म को ज़्यादा उस चीज़ को समझने में ज़्यादा आसानी होती थी, क्योंकि उस समय तक वर्ड्स और सेंटेंस और ये सब सारी चीज़ों जो थी वो हमारे पास नहीं थी। तो यही कारण है कि एनालॉग रेडियो गलत तरीके से जो साउंड है वो अलग तरीके से रिएक्ट करने का, खासकर यदि आप एक कार में सुन रहे हैं डिजिटल रेडियो को जब वो रिसीव कर रहा होता है तो उसकी जो काउंटिंग के फॉर्म में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो वहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा था उसको उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको हमेशा शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, ताकि उसमें सिग्नल को लेकर के कोई और भी चीज़ें नहीं हो, क्योंकि जब रेडियो आता है तो रेडियो के सिग्नल के साथ में और भी कई तरह की उसमें क्या कहते हैं कि नॉइज़ आ जाती है। तो इसके कारण से भी इसमें काफ़ी वर्क हुआ था ताकि लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और जो रिसीव है आपके पास वो बहुत अच्छे से आपके पास वहाँ तक आपको मिल सके। तो हाउ डज रेडियो टर्न्स एम एंड एफएम सिग्नल्स बैक इनटू साउंड। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप मान लीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रेडियो रिसीवर है और जो उसमें से वो कुछ जो वेव है ठीक है तो वो उसको रिसीव कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को, और उसको रिसीव करने की जब कोशिश करता तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, और जब तक आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। कहीं ना कहीं एम एफएम की तुलना में अगर कंपेयर किया जाए इस चीज़ में तो एफएम अधिक लंबी एफएम की जो क्या कहते हैं वेव्स होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है उस एम से ज़्यादा अच्छी होती है। ये ना यहाँ पे 1 मिनट, हाँ सॉरी, एएम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफएम से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ऐसे करके जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो इस प्रोसेस में आपको जब मॉड्यूलेशन के अपोजिट में जब मॉड्यूलेशन कहा जाता है तो इस टेक्निक के जो डिफिनेशन किए बिना शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एफएम रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे काम करेगा। सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे है। लेकिन एफएम के बारे में क्या क्या है कि जहाँ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और ट्रांसमीटर जो जो ट्रांसमीटर से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस को कौन इस चीज़ चेंजेस को अच्छे से रिसीव कर रहा होता है, तो ट्रांसमीटर जो इस चीज़ को अच्छे से रिसीव कर रहा था उसमें जो जो पूरी क्या कहते हैं कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके तक भेज रहा होता है अच्छे से। तो सेकंड में है डिजिटल रेडियो, इसके जो टॉपिक है इसमें हम डिजिटल रेडियो
पे आते हैं। ये डिजिटल रेडियो का एक एग्जांपल है। जैसे कि डिजिटल रेडियो में आपके पास जो मोबाइल, उस समय तक आपने देखा होगा कि टेप रिकॉर्डर के एक पूरा बंडल आता था जिसमें आप कैसेट डाल के भी उसको यूज कर सकते थे। सीडी या डीवीडी भी आप उस जो रेडियो के फॉर्म में था, इस तरह में आप उसको यूज कर सकते, क्योंकि वो मल्टी पर्पस के हिसाब से बनाया गया था। तो उसमें 3 से 4 चीज़ें उसमें पहले से इनबिल्ट थी। उसमें एफएम भी था। तो एफएम में जब ये डिजिटल के फॉर्म में आया तो इसमें काफ़ी जो चेंजेस थी क्वालिटी के हिसाब से, अगर मैं कहूँ, या कॉम्पैक्ट के हिसाब से मैं कहूँ, तो उस चीज़ के हिसाब से ये बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्योंकि जब आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, चाहे वो कार में हो या बस में हो, तो आप जब एक फ्रिक्वेंसी के साथ सेट हो जाते हैं एक, तो आप काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो दोनों के बीच का जो सिग्नल है, रेडियो और जो स्टेशन है, दोनों के बीच की जो सिग्नल आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कंटिन्यू आपके साथ चलती रहती है। तो ऐसे प्रोसेस जो आपके साथ हो रहा है और आप क्लियर चीज़ें सुन रहे हैं। क्या हुआ था, जब चीज़ें डिजिटल में आई थी तो साउंड क्वालिटी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, और जो साउंड क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी उस समय तक डिजिटल के आने से। और जो चीज़ें जो थी वो काफ़ी चेंज भी हो गए थे। एनालॉग में आपको हमेशा ट्यून करना पड़ता था, आपके उसमें जो कंट्रोलर होता था उसमें एक वॉल्यूम का होता था और दूसरा उसमें फ्रिक्वेंसी कैच करने के लिए, जो स्टेशन मिलाने के लिए उसको हम यूज करते थे, तो उसमें कई तरह की दिक्कतें होती। लेकिन जब डिजिटल रेडियो आया तो डिजिटल रेडियो में क्या होता था कि एक बार आप उसकी फ्रिक्वेंसी एक बार मैच कर दें और उसके बाद छोड़ दें, आपको जब भी ऑन ऑफ करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था कि उसकी फ्रिक्वेंसी अनमैच हो जाए दोबारा से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई थी उस समय के लिए, कि जो रेडियो सुनने वाले थे जिनका वो कंटिन्यू उसका यूज करते थे, तो डिजिटल होने के बाद वो इस चीज़ को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे थे उस समय तक। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई थी कि डिजिटल रेडियो में बहुत सारे चेंजेस उस समय तक आ गई थी, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच की जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं बहुत, जो प्रॉब्लम बीच में होती थी उसको बहुत कम कर दिया गया था। क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि इसमें जो गैजेट लगे हुए थे या इसमें जो ट्रांसमीटर यूज हो रही थी या उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, काफ़ी हद तक एनालॉग से बिल्कुल हट करके ये वर्क कर रही थी। काम दोनों का तो सेम था कि फ्रिक्वेंसी को रिसीव करना है और चीज़ों को रिसीव करना है और उससे हमें लिसनर्स को वहाँ उनके तक पहुँचाना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं कि देयर टू मोर द लेस हाउ डिजिटल रेडियो वर्क्स में, तो ये रेडियो जो है कि कैसे ये वर्क कर रहा था कि ट्रांसमीटर जो है वो पीसीस में प्रोग्राम के सिग्नल्स को भेजता है और फिर उसको सिग्नल्स को पूरा कोड करके फिर हमारे तक पहुंचाता है। तो ट्रांसमीटर जो है वो जो सभी पीसेज हैं उसके मीडियम हेल्प से जब हम उस रिसीव करते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और अच्छी हो गई थी। क्योंकि एनालॉग में क्या होता था कि ट्रांसमीटर वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजता तो था, लेकिन क्योंकि वो पीसीस के फॉर्म में आता था और हमारे तक पहुँचते पहुँचते एनालॉग में ये दिक्कत हो जाती थी, तो वो हमारे पास पूरे अच्छे से वो सिग्नल अच्छे से आ नहीं पाती थी और फिर जो हमारे पास डिवाइस उसे डिकोड नहीं कर पाता था, जिस कारण से बीच में वो जग आती थी या कुछ अलग से नॉइस उसमें एड ऑन हो जाती थी, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। जब आप चीज़ों को कुछ पार्ट में या किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो रिसीवर के अन्य और भी जो मीडियम है उनके जो पेसेस हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए एक डिजिटल के फॉर्म में ये एक अच्छा काम कर रहा था। और तो डिजिटल आने से ये भी सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे हेल्प मिल रही थी। तो हाउ टेलीविजन वर्क्स में हम देखेंगे कि टेलीविजन जो है वो वर्क कैसे कर रहा है और
क्या क्या चीज़ें उसमें, और चीज़ एक मिनट में से सेट कर दो। तो इसमें है इसी टॉपिक वन में ही हाउ टेलीविजन वर्क, जो इसमें दो टॉपिक हैं उनमें से जो पहला टॉपिक है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। तो हाउ टेलीविजन वर्क्स में कि टेलीविजन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्क था, इसको के हेल्प से जो चीज़ों को हम वर्चुअल में वर्चुअल को सामने हम देख रहे होते हैं, और उसकी जो इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे थे कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और इस चीज़ को हम काफ़ी ज़्यादा मान भी रहे थे। क्योंकि जब ये इस चीज़ जब टेलीविज़न आया था और इस चीज़ को जब हम यूज करने लग गए थे, टेलीविज़न को जब देखना शुरू किया था, तो ब्लैक एंड वाइट से हम क्या कहते कि जो कलर टीवी टेलीविज़न है उस दौर तक हम लोगों ने उस पर जाना कि कैसे ये वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग के बारे में चीज़ों को वहाँ से शुरुआत करते हैं कि टेलीविज़न जो है वो वर्क कैसे कर रहा होता है। तो जो इसका पहला मोड होता है कि इसमें आप ये होता है कि जो जो टेलीविज़न जो है जो अब हमारे सामने दिखाई देता है, वर्चुअल चीज़ें हम देख करके उसको अपने रियल लाइफ में इमेजिन कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें डॉट्स पे से जो पिक्सल होती है वो उस पर वर्क करता है। क्योंकि आप जो भी इमेज अपने टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं वो स्टिल के फॉर्म में होता है, एक वो सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर होता है जो वो मूव करता रहता है किसी फ्रेम सेकेंड के 25 फ्रेम सेकेंड के स्पीड से, या 30 FPS या 60 FPS ऐसे इस मोड में वो चलता रहता है। तो क्या करते हैं कि जब एक पिक्चर हम देख रहे होते हैं तो दूसरे पिक्चर के पहले इमेज को स्टक हो दिमाग में, वैसे ही दूसरी इमेज वहाँ पे आ जाती है, और उसके साथ जो सबसे बड़ी उसकी हेल्प कर रही होती है वो होती है साउंड। तो साउंड और स्टिल पिक्चर की जो कंटिन्यूसली जो पिक्चर्स चल रही हो है और साउंड कंटिन्यूस जो चल रहा है तो उस चीज़ को हम पकड़ नहीं पाते हैं। जितनी अच्छी पिक्सल होती है वो उतना अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो ये ऐसे है, टीवी मॉनिटर और जो दिमाग है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो वर्क कैसे कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टेलीविजन से रिलेटेड जो ह्यूमन माइंड है उसकी जो क्या कहते हैं कि सेकंड जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप चलती हुई जो पिक्चर्स हैं उस पिक्चर्स के जो क्या कहते हैं सीरियल वाइज उसमें जो असेंडिंग ऑर्डर में उसमें क्या होता है वो डिवाइड किया हो रहता है, और उसको काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड वो चल रहा होता है। तो और उसमें जो पिक्चर्स है वो हमें दिखाई देती है, तो हमारा दिमाग जो है उसी एक पिक्चर्स को अपने इमेजिन कर रहा था, और तभी वो दूसरा आता है और उसके साथ साउंड भी वर्क कर रहा था जैसे कि हमारे बता। तो ऐसे ही फ्रेम वाइज ये वर्क कर रहा होता है, वो स्टिल ही रहता है। जब जब आप एक वीडियो को आप जब रेंडर करते हैं इमेज के फॉर्म में, तो आपको वो पर सेकेंड एक एक इमेज को डिवाइड करके आपके स्क्रीन पे लाकर दे देता है, ताकि आपको जो भी चेंजेस करना हो आप कर दे। तो यही चीज़ वो जब हम उसको एक फॉर्म में डाल करके उसे जब हम रन करते हैं तो वो मोशन पिक्चर के फॉर्म में हमारे सामने आता है, जिसे हम मोशन पिक्चर्स कहते हैं टेलीविज़न को। और जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी इस पर हम डिस्प्ले देख रहे होते हैं वो मोशन पिक्चर में ही आता है। तो जो कैथोड रे ट्यूब था, तो एक वर्ड मैं आपको डिस्प्ले पे कर दूँ कैथोड रे ट्यूब ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि कैथोड ट्यूब है जिसमें जो कि RGB कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये RGB यहाँ पे वर्क ऐसे कर रहा होता है कि आप वेब के लिए काम कर रहे हैं या डिजिटल फॉर्म के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपको RGB काम कर रहा करना कलर पे आपको काम करना होता है। अगर आप प्रिंट के लिए वर्क कर रहे तो आपको CMY वर्क पे वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैथोड रे ट्यूब होता है और CRT डिस्प्ले जहाँ पे आप इमेज को देख रहे होते हैं, तो ये CRT का पूरा मॉडल है जहाँ पे 60 वाट लाइट बल्ब इसके अंदर यहाँ पे लगा हो रहता है, और यहाँ पे जो भी फिल्टर लगा है इसके थ्रू ये आपकी जो स्क्रीन पे ये जो वो सामने स्क्रीन होता है वो इस पर पब्लिश करता है। तो आप इसको कई फॉर्म में आप इसे देख रहे होंगे, इसको यूज कर रहे होते हैं जब आप देख रहे होते हैं ये वर्क इस तरह करता है कि एनोड और कैथोड जो वर्ड है उसके यूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक पॉजिटिव और निगेटिव जो टर्मिनल है उन
के लिए एक इक्वल वर्ड के फॉर्म में किए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर कहें तो आप एनोड के फॉर्म में एक बैटरी और की जो पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड के फॉर्म में आप जो एक निगेटिव टर्मिनल के बारे में हम जान रहे हैं, तो कैथोड ट्यूब रे में कैथोड जो है एक गर्म लाइन रेशा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके जो फिलामेंट है उसके अपोजिट में नहीं है, ठीक, उसके अपोजिट में वो डाला हुआ रहता है। तो जब उसके जो लाइंस हैं उसके बीच की जब वो गर्म होती हैं तो ग्लास ट्यूब के अंदर में एक जो वैक्यूम होता है तो उसमें से जो लाइट्स निकलती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक की एक जो क्या कहते हैं एक फॉर्म में वो जब निकलता है तो वो क्या होता है गर्म कैथोड के वैक्यूम में वो जाकर के इसे फॉर्म करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव फॉर्म में बात करें तो एनोड जो एनोड है उसके पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, तो ये क्या हो अट्रैक्ट होते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन में जो ट्यूब है तो उस बीम ट्यूब हम उसे कहते हैं, तो बीम ट्यूब में जब किसी भी तरह की दिक्कतें होती है तो क्या होता है कि जो डिस्प्ले है हमारे यहाँ पे वो अच्छे से नहीं चल रहा होता है और उसमें दिक्कतें आती है और उसमें जो है वो आप इसकी स्क्रीन पे आप इसको देख रहे हो कि जो ये क्या होता है कि फॉस्फोरस कोटेड वो डिस्प्ले होता है जब उस पर लाइट्स आती हैं जो एनोड कैथोड होती है और उसमें जब आरजीबी कलर के थ्रू आपके इस फॉर्म पे फॉस्फोरस कोटेड इस पर आती है तो हमें उस पर पिक्चर दिखाई देती है जो हमारे आंखों तक जो आई बीम है वहाँ तक वो पहुँचती है। तो सैटेलाइट टीवी अगर हम बात करते हैं तो लार्ज डिश सैटेलाइट एंटीना में हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो इसमें सबसे बड़ा है कि डिश सैटेलाइट के हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम अपने घर से या अर्थ से जो जो हम सिग्नल भेज रहे होते हैं और जो इनकोडेड सिग्नल उसको उठा रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप डिश के एक जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है इसमें जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करने के बाद जो चैनल हम वहाँ से चेंज करके और चेंज करने के बाद जब वो हमारे स्क्रीन पे आता है तो उसे हम इसे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब सेटअप बॉक्स जब रिसीव करती है सिग्नल को और इसे जब डिकोड करती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो उसने भेजा है और वो चैनल्स हम जिस नंबर पे उसे हम रिसीव कर रहे हैं वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर स्मॉल डिस सैटेलाइट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है कि एक डिजिटल फॉर्म में है और टीवी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो MPEG-2 के फॉर्म में एनकोड किया जाता है। तो क्या कहते हैं कि अर्थ पर जब क्या कहते हैं कि प्रेशर किया जाता है तो सेट ऑफ बॉक्स की जो MPEG-2 को क्या कहते हैं डिकोड करने के लिए बहुत काम करता है जो सिग्नल से वहाँ से आती है। इसके क्या होता है कि एक जो क्या कहते हैं कि जो मेजरमेंट है उसकी जो मेजर है उसको एनालॉग टीवी सिग्नल में उसको चेंज करता है और इसे चैनल को 3-4 TV पर जो भी है उस पर भेज देता है या 5-6 हो जो भी है और उस पर चला जाता है। अगर इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आप और भी बहुत सारे जो चीज़ है उस पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो टेस्ट्रियल है एनालॉग टेस्ट्रियल ये वर्क कैसे करता है तो इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न का एक जो वर्ड है जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के उन सभी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को सामने पे लाता है कि जो सैटेलाइट है वो ब्रॉडकास्टिंग में उसकी जो रोल है वो कितना इसमें है, ठीक है। तो और जो सैटेलाइट आने से क्या होता है कि पहले जो केबल थी वो केबल हमारे छतों से या ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड होकर के चलती थी, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें चलती थी। तो यहाँ पर अगर 1950 तक क्या हुआ था कि केबल टेलीविज़न जो था वो हमारे कम्युनिटी
कम्युनिटी में ये एंटीना टेलीविजन CATV के नाम से भी हम जानते थे, उसके साथ में ये शुरुआत हुई थी। और इसमें उस समय तक उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। लेकिन जब ये जब सेटेलाइट इन सब चीज़ें आए, तो 1960 के टाइम से और 1970 के टाइम पे, ये जो 20th सेंचुरी के दौरान या उस पे जो हमारा कम्युनिकेशन था, सेटेलाइट कम्युनिकेशन था, उसके साथ हमारा काम ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने क्या किया कि इसके साथ से जो सिग्नल में थी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो गई, और जो हमारे पास बफर टाइम था वो काफ़ी हमारे पास बच गया इस चीज़ के। तो एनालॉग में तो एनालॉग इनकोड के टाइम पे जो इमेज और साउंड से इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही होती है, तो एनालॉग सिग्नल क्या करता है कि उसमें जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करता है वो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल से, और उसे मिला करके उसके जो फ्रिक्वेंसी है जो VHF और UHF कैरियर के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या करता है कि जो सिग्नल है उसके मैं आपको अच्छे से बता दूँ, सिग्नल के जो मिलता है जो एनालॉग और डिजिटल में वो हमें आता है, तो एक तरफ से अगर VHF और UHF के फॉर्म में वो आकर के हमें मिलता है। तो एनालॉग टेलीविजन में जो इमेज है वो और इमेज पे जो स्क्रीन है वो PAL के फॉर्म में 25 फ्रेम के में हमें मिलता है। अगर हम उससे, क्योंकि इंडिया में और इंडिया के अलावा कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे हम PAL यूज करते हैं, लेकिन यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पे हम NTSC यूज करते हैं। जो PAL में जो फ्रेम हम यूज रिसीव कर रहे होते हैं अपने DTH में या TV पे, वो होता है PAL 25 FPS, FPS, ठीक है। और बाकी कंट्री जो होती हैं, बाहर की कंट्री जो है, यूरोपियन कंपनी है कंट्री है और एशिया में भी कुछ हैं जो आपके NTSC यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में हम PAL यूज करते हैं। तो PAL और NTSC में सबसे बड़ी डिफरेंस यही माना जाता है कि जो हम वीडियो जो बनाते भी हैं, और जब वीडियो बनाने के बाद जब उससे हम रेंडर करते हैं एडिटिंग के बाद, और जब रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, PAL के फॉर्म को हम यूज कर रहे होते हैं, 25 या 30 जो भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो PAL और NTSC के बीच की ये सबसे बड़ी डिफरेंशिएट करना होता है। कि इसके बाद चलते हैं डिजिटल सेटेलाइट टीवी के ऊपर, कि डिजिटल सेटेलाइट टीवी क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे डिजिटल सैटेलाइट में अगर चलते हैं, तो इसमें जो सिग्नल है और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से दिया जाता है, और सैटेलाइट में जो चेंजेस जो क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है उसे सेट टॉप बॉक्स के द्वारा हम उसे रिसीव करते हैं, और चाहे दुनिया के या वर्ल्ड के किसी भी एरिया में आप क्या करते हैं, इन चैनल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि सैटेलाइट टीवी के आने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ इंडिया में हैं तो इंडिया में यूज करें और दूसरे कंट्री में हम यूज नहीं करेंगे। तो डिजिटल सैटेलाइट में जो चीज़ें थी वो डिपेंड करती थी कि जो हमारे पास अपलिंक और डाउनलिंक है उसके हेल्प से जो चीज़ें हैं वो कितना हम यूज कर रहे होते हैं, जो सैटेलाइट है उसको हम कितना यूज कर रहे होते हैं, उसके हेल्प से हम क्या क्या चीज़ों को हम यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इनपुट आउटपुट डेटा टेलीविज़न जो थी, जो भी चेंजेस थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उसमें चेंजेस आ गई थी। और उसमें जो है आप यहाँ पे L-band, UHF, ठीक है, इस तरह के जो फ्रीक्वेंसीज थी हम उसको यूज करने लग गए। C-band सिस्टम जो थी वो 75 OHM टेक्नोलॉजी और FM और UHF TV ट्यूनर के करते हैं। जब सिनेमा हॉल में जब हम फिल्म देखते हैं तो आप ऐसे UHF के हेल्प से भी हम करते हैं, उसको सैटेलाइट से डायरेक्ट कर करके हम उस पर, जो इसमें केबल्स हैं जो कनेक्टिंग रिसीवर में यूज होती है LN, तो इसमें क्या होता है टाइप RG6 और RG11 ये स्टैंडर्ड होती है। RG59 केबल हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये सब केबल के जो डिस्ट टेलीविजन होती है उसके लिए RC केबल, BNC केबल, ऐसे बहुत सारे केबल हैं जो इसमें हम यूज कर रहे होते हैं।
तो ये सारे हर्ज हैं जो इस पे अच्छे से काम कर रहे होते हैं डिजिटल सेटेलाइट में, और डिजिटल सेटेलाइट के बारे में है वो हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक वन है मॉड्यूल टू का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ AIR एंड प्राइवेट FM रेडियो सिस्टम के बारे में, और इसके जो सर्विसेज एंड कोड है उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो आप वीडियो के देखें और उसमें से टॉपिक को निकालें, इस टॉपिक से कितनी चीज़ें आप सीख रहे हैं, और उसके बारे में अगर आपको लेना हो तो आप और भी कई सारी बुक्स हैं जहाँ से रेफरेंस लेकर के आप इसको आगे पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं, सेटेलाइट के बारे में और सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।